नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आज बना रही हूँ घर पे डेकोरेट करके रखने के लिए वॉल हैंगिंग। और आप अगर मेरे चैनल पे आज नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अब मैंने ये वॉल हैंगिंग बनाने के लिए मुझे जो जो सामान चाहिए वो सब मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैं इस कलरिंग पेपर को ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करती रहूंगी। ऐसे करने के बाद दोबारा ऐसे ही फोल्ड कर लूंगी ऐसे ऐसे करके मैं पूरे इस कलरिंग आर्ट पेपर को ऐसे फोल्ड करती रहूंगी। पूरा ऐसे फोल्ड कर लेने के बाद आप देख सकते हैं ये दिखने में कैसा लग रहा है। अब मैं ये ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर थोड़ा कैंची से काट लूंगी। ऐसे कैंची से काट लिया। अब मैं स्टेपलर लेके यहाँ पर इसे ऐसे जोड़ दूंगी। आप चाहे तो गम से भी इसे ऐसे चिपका सकते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे स्टेपलर से ऐसे जोड़ दूंगी। दूसरे साइड से भी मैं ऐसे ही इस पेपर को ऐसे जोड़ दूंगी। देख सकते हैं ये कलरिंग पेपर का फ्लावर मैंने बना लिया और दो भी मैंने बनाया। और अब मैं ऐसे ऊल का पोम पोम पहले से बना कर रखा था, इसको इस कलरिंग पेपर के फ्लावर के ऊपर ऐसे चिपका दूंगी। इस पोम पोम को ऐसे इस फ्लावर के ऊपर ऐसे चिपका लिया। अब मैं इस पॉम पॉम के ऊपर और थोड़ा गम लगाकर इस प्लास्टिक की मोती को ऐसे चिपका लूंगी। अब मैं और थोड़ा ऊन लेके इन दोनों फ्लावर को ऐसे ऐसे जोड़ दूंगी। यहाँ पर चिपका कर ऐसे जोड़ दिया। आप देख सकते हैं मेरा वॉल हैंगिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप भी चाहे तो इसे बना सकते हैं और घर पे डेकोरेट करके रख सकते हैं। दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही और भी बहुत सारा होम डेकोरेट का सामान मैंने बनाकर घर पे डेकोरेट करके रखा है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। आप चाहे तो मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप सबको अगर मेरा ये वॉल हैंगिंग अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।